पूरे घर में शदीद धुआं, शदीद स्मेल। जो इन्होंने तो घर में ही आग लगा देनी थी जो इनके हालात हैं। मुझे थोड़ी पता था ये ऐसे पटाखे बज रहे थे इसमें से। मम्मा ये देखो ये हशर है, ये मेरा मुट्टा मुट्टा हशर है, ये मेरा मुट्टा हशर है। नाराजगी नाराजगी खत्म। जो पुराना बचपन वाला लाहौर ब्रोस्ट है ना, वो खाने को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं कंजा आ गई हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई आज हो गई है 31 जनवरी और ये महीना इतना लंबा था, मुझे तो लग रहा था बहुत ही लंबा था। खैर शुक्र है अल्लाह करके ख़त्म हुआ है और आज डे हो गई है वेडनेसडे। तो बस अभी अभी मेरा जो है ना व्लॉग अपलोड हुआ तो मैंने सोचा कि अपना न्यू व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीलॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लें, बाकी वीलॉग्स भी देख लें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें और बेल के आइकन की बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं अपना कोई वीलॉग या शॉर्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें वीलॉग कैसा लग रहा है, शॉर्ट कैसी लग रही है, शेयर भी किया करें और कोई आइडिया हो तो वो भी दिया करें। तो बस जी अभी मैं खाना शाना भी रात के 9 बज गए, पूरे 9 बज रहे हैं। और आज एक्चुअली मैंने पुलाव बनाया था और जो कि मैंने 2 बजे बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन हैरत की बात यह है मैं तब भी 6 बजे फारिग हुई। अजीब सी बात है वैसे। और फैज भी ऑफिस से आ गए हैं और मुबीन सो गया है। बाकी जी ये हमने इसीलिए लगाई क्योंकि हवा बहुत आती है। और बाकी ये देखें कपड़े मेरे 2 दिन से रहते हैं कि मैंने तय करने दिल नहीं करा। तो बस बाकी कल हमारे साथ एक हादसा पेश आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लोग इतने एक्टिव माइंड जो वीलॉग्स बनाते हैं कि कैसे होते हैं, मैं भी ऐसे बनना चाहती हूँ कि कुछ भी हादसा पेश है वो जल्दी से वीलॉग और वीडियो बना लेते हैं। और मेरा तो दिमाग मुझे आज याद आया। खैर कोई बात नहीं, मुझे वाकई मुझे नहीं पता याद रहता कि मैंने वीडियो ऐसे भी कैसे बना सकता है इंसान उस टाइम। चलो खैर छोड़ो, अब जी अपने वीलॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लाइक का बटन पहले ही दबा दें, अभी दबा दें, ठीक है, दबा दिया है ना, ओके गुड, अभी दबा दें। मैं बार बार कह रही हूँ, लोग जो शौक से भी देखते हैं ना वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो जल्दी से वीलॉग दबा दें, लाइक का बटन दबा दें और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीलॉग का। तो गाइस ये मैंने पुलाव बनाया था, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का, ठीक है। आजकल मेरे आप लोग ज़्यादातर किचन के वीलॉग इसलिए देखेंगे क्योंकि मेरा आजकल यही काम है बस। ये रायता बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना है। और जो कल हमारे साथ हादसा पेश आया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखें। अब आपको इसकी हालत से पता चल ही रहा होगा कि क्या हुआ होगा, है ना, पता चल रहा है ना। और अभी मैंने इसमें सोडा डाला हुआ है, थोड़ा सा सोडा डाल के और फिर पकाती हूँ। गाइस कल हुआ ही कुछ नहीं, ये फैज़ इसमें चाय थी मैंने बना के रख दी थी, मैंने पी ली थी, फैज़ ने पी ली थी। फैज आए हैं, उन्होंने इसको चूल्हे पे रखा है, ये वाले चूल्हे पे, और वो बाहर जहूक में लग गए। अच्छा मुझे ना स्मेल आ रही है, मुझे लगा कि वैसे ही है, मैंने इग्नोर मारा। अच्छा मैंने यूं करके भी नहीं देखा कि धुआं धुआं हुआ हुआ, मतलब कि मैं कमरे में थी तो इधर मैंने नहीं देखा, तब तक शायद धुआं हुआ भी नहीं था, मुझे फील भी नहीं हुआ। 5 मिनट गुजरे, इतनी शदीद स्मेल आई। मेरे जहन में ये कि मैंने तो ऐसा कुछ रखा नहीं है, मैंने तो चूल्हे भी बंद कर दिए। खैर फिर एकदम जब मैं आई, जब पटाखा बजा, उधर से मुबीन आया, इधर से मैं आई। जब आया तो ये बेचारा सॉस पैन जो था ना, ये पूरा जल गया था। अभी इसको मैंने थोड़ा सा साफ करके फिर पानी डाल के रखा हुआ था और ये जल चुका था। पूरे घर में शदीद धुआं, शदीद स्मेल, जो आज ख़त्म हुई ये हुआ। शुक्र है कि ऐसी कोई वो चीज़ नहीं थी, वरना बहुत 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 ही बुरा होना था बेचारे सॉस पैन। ये कल हमारे साथ हुआ जिसकी मैं वीडियो, उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं था भाई। मैं कह रही हूँ ना मैं बड़ी कोई आउट माइंड हूँ मेरा, मैं लोग पता नहीं कैसे हाजिर दिमाग और हाजिर होते हैं भाई, है ना। तो ये कल हमारे साथ हुआ है। तो भाई ये फैज़ ने सॉस पैन का जो है ना वो तरह निकाल दिया और बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ही ना इसमें शॉर्ट सर्किट होता रहा, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के सॉस पैन का शॉर्ट सर्किट देखा है हमने कल। A few moments later. तो फैज़ ये आ गए, फैज़ ये क्या किस्सा है? वो ये नहीं बताने वाले बातें थी, बताएं, लाइट खोलें जरा। ये चाय है, पीछे है ना, आपका पूरे नहीं आ रहा, इतना बड़ा मुंह है आपका, पूरे कहाँ से आएंगे। ये आपने क्या किया? ये मैंने चाय बनाई है। चाय बनाई है, यही पानी पिला दो सोडे वाला। ये चाय भी और ये पोटी भी जल गई है। ओह वाओ, ये तो आप नहीं लाएंगे ना, गंदे। इन्होंने तो घर में ही आग लगा देनी थी जो इनके हालात हैं।
मुझे थोड़ी पता था ये ऐसे पटाखे बज रहे थे इसमें से। मम्मा होती ना वो भी सॉस पैन का शॉर्ट सर्किट देख के ना खुश हो जाती है जो फैज ने किया। इसकी स्मेल है कल की जली हुई है पूरे घर में। घर है ना इन्हें तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या ही जला दिया ना तो आग ही लगा देगी थी घर में। लेकिन आज चावल बहुत अच्छे बने हैं मैंने कितने ये मुंह फीन के कितने प्लेट है तीन खाली। ये देखिए आज पुलाव मैंने ये दूसरी बार बनाया है जिंदगी में पुलाव और अच्छा बना है ना। ये वाला पुलाव दूसरी बार एक बार खराब हो गया था मैं पतीले ले। और ये भैया हमने गलती से कैसे आज ना इतनी देर की चीज़ें मंगाई हुई हैं। ये मैंने बच्चों के लिए मंगाई है पेस्ट्री और ये कोई तीन घंटे बाद लेकर आए हैं। कहाँ थे आप? ओके बाय चले जाए निकले पता दोस्त अगला दिन हो गया है। अगले दिन की भी शाम हो गई है और आज थर्सडे है और फैज़ ने छुट्टी की आज। सर बारिश भी लाहौर में ना बहुत तेज़ हुई रात को और सुबह अब दोबारा से एकदम ठंड ख़त्म हो गई। जब दोबारा से ठंड सी ना हो रही है तो बस अभी जो है आज मैंने सुबह मसूर की दाल बनाई थी और फैज़ जो है ना अभी दिल कर रहा था उनका ना और मेरा भी और मताफ का भी चिकन खाने को ना और मेरा दिल करता था लाहौर ब्रोस्ट खाने को। इतने दिन हो गए खाए ही नहीं लाहौर ब्रोस्ट मतलब फ्राइड चिक्स और मतलब उनके चिकन में उनके चिकन थोड़ा डिफरेंस है हैनन बन वगैरह। तो आज दिल कर रहा था वो जो पुराना बचपन वाला लाहौर ब्रोस्ट है ना वो खाने को। तो मैंने कहा फैज़ यार जाओ लेकर आओ। मैं कह रहे थे आप चले वहीं चल के खाते। मैंने कहा ना भाई यहीं खाएँगे क्योंकि बच्चे नहीं खाने देते ऊपर से ना सर्दी भी है। तो बस फैज़ वो लेने गए हैं और एक अदद बच्चा जिसको वो छोड़ गए हैं ना वो उसको और वो बच्चा जो है ना वो नाराज़ है और वो जब तक नहीं आएगा वो यूं ही रहेगा। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो बच्चा। मता आप एंग्री हो? ये मेरा बेटा एंग्री है। लो ये देखिए ये एंग्री है। किसी एंग्री हो? इधर देखो आ जाओ मेरा बेटा। बेटे ठंड होगी उठो। ये मेरा बेटा एंग्री है। चिकन नहीं खाना? उई मैंने तो बेटे के लिए कोक भी मंगाई है। उठो ना बेटे ये नाराज है। गुग्गा गुग्गा नाराज है। आओ ना बेटे उठो। ये बड़ा गुड बॉय है ये बहुत प्यारा बेटा। उठो ये तो ये हंस रहा है। ये मेरा मुट्टा मुट्टा हंस रहा है। ये मेरा मुट्टा हंस रहा है। नाराजगी नाराजगी खत्म करो उठो चलो शाबाश उठो। मेरा बेटा भी उठता है। मैंने अपने बेटे के लिए चिकन मंगाया है और दूसरा वाला हम कहीं गए थे शाम में तो आकर सो गया था और अब ये रहा। इधर देखो हेलो कर दो। इधर देख के करिए हेलो। ओ चला गया। A few moments later. तो गाइज फैज वैसे तो लेने गए थे लेकिन ये देखें ये वापस आ गए और कह रहे नहीं आप ही साथ चले। सब्जी वगैरह फैज को समझ ही ना लगेगी कि कौन सी लेनी है कौन सी लेनी नहीं लेनी। तो फैज साहब वापस आ गए और अब हम दोबारा जाने लगे हैं। बच्चे को तैयार कर लिया और जितनी मुझे उलझन होती है बार बार जैकेटें पहनाओ उतारो जुटाओ पहनाओ उतारो। खैर अब हम जाने लगे। तो गाइस ये जाते जाते दूध वाले की जो शॉप थी वो रास्ते में थी तो हमने इससे दूध ले लिया क्योंकि वो घर जाता तो हम होते नहीं तो इसलिए हमने ले लिया। उसके बाद जी हम लोग गए लाहौर ब्रोस्ट और एक बच्चा मेरे पास था और ये जो है ये रो रहा था कि मैंने भी जाना है। तो बस ये पता नहीं मेरे स्क्रीन पे क्या हो गया था उस टाइम। खैर शायद कैमरा गंदा था तो फैज़ दोनों को एक को बिठा कर और एक को करके बड़ा ही रोना पड़ा। ये इतना रोए मैं आपको बता नहीं सकती कि इन्होंने हमें कितना खपाया। पूरे रास्ते रोते हुए गए और ये तो जैकेट भी नहीं पहन रहा था कि मैंने नहीं पहनी। खैर मैंने साथ पकड़ ली। खैर यहाँ पर ऑर्डर उडर करके फिर हम लोग गए सब्ज़ी लेने और ये बैकग्राउंड पर बहुत शोर है इग्नोर किएगा। और यहाँ पे भी जहूक रो ही रहा है। हमने सब्जी दे दी थी और फिर अब हम जाएंगे घर। A few moments later. और ये गाइस हम लोग लाहौर ब्रोस घर जैसे कहा था कि घर लाकर ही खाएंगे और यार आपको मैं बता नहीं सकती। देखें ये भी रो रहा है और इधर मताफ साहब भी जो है ना वो रो रहे हैं। इन्होंने मेरे चिकन मतलब मेरे खाने का ना बेड़ा गर्क कर दिया सारा मज़ा किरकिरा कर दिया।
तो गाइस ये अगला दिन हो गया था और रात को मेरे बच्चों ने इतना खपाया कि मुझे खुद रोना आने लग गया था कि ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ये चुप ही नहीं हो रहे थे, रोई जा रहे थे। खैर कुछ इनको नज़र भी लगी हुई थी, कुछ तबीयत भी ख़राब थी। फिर खैर इनको हमने लाला करके सुलाया और बस जी फिर अब थोड़े बेहतर हैं। और अभी अगला दिन हो गया और मैं नाश्ता वगैरह बनाई थी और फैज़ की आज भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं गए। और आज फ्राइडे का दिन भी था तो मेरा था कि सारे काम ना ज़रा जल्दी जल्दी से हो जाए, तो बस ये मैं सारे काम वही कर रही हूँ। Later. तो गाइस मैं अभी पेशावर लेके आई हूँ और ये देखें ये बच्चा, इसको सर्दी नहीं लग रही, देखिए इसका क्या हाल है। ये मताब साहब रोला डालकर, ये सैम साहब अपने उसमें, और ये फैज को देखें, ये ना इनकी तबीयत नहीं ठीक है, ना कल भी छुट्टी की और आज भी छुट्टी की। सोचो। तो गाइस ये रही मैं। और आज जैसे कि फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, तो बस वो सारे काम कर करा के और इवन हांडी भी पकने लग गई है, वो भी एक डेढ़ घंटे में पकी, क्योंकि हल्की आंच पे वो हल्का मतलब कि वो पकेगी, ठीक है ना। तो बस ये पता नहीं मुझे क्या हो गया। खैर चलें आज का व्लॉग मैंने सोचा कि एंड ले लूँ, आज के व्लॉग को भी हम यहाँ पे ही एंड करेंगे। और अब मैंने वैसे भी ये सोचा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो ना मैं अपना व्लॉग दूँगी, क्योंकि अगर रमज़ान भी आ रहा है उस पर वैसे भी मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना रोज़ व्लॉग करूँ। तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करके फिर मैंने एडिट भी करना है, एडिट आधा हुआ है बस, ये पार्ट रह गया है। बाकी खाना मैं आपको खाने में भी दिखाई देती हूँ, अब कर ही रही हूँ। तो गाइस ये खाने में ना आज मैं पका रही हूँ निहारी, और ये निहारी की चीज़ें तैयार हैं आधी, और ये निहारी पकने रखी हुई है, ठीक है। तो बस और बाकी अगले व्लॉग में मैं आपके साथ एक और भी चीज़ शेयर करूंगी, और वो मुझे दो चार लोगों ने कहा है तो मैंने सोचा कि हाँ वैसे ये चीज़ करनी चाहिए और आप लोगों की मुझे उसमें हेल्प भी चाहिए होगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इस व्लॉग में एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, तो चलें फिर अल्लाह हाफिज़। और मुझे हर जगह जाके फॉलो भी कर लूँ, लाइक भी कर लूँ, ठीक है।